जब आप बाहर आए तो आपको कैसा फील हो रहा है? क्या आपको लगता है कि ये एविक्शन जो है वो फेयर एविक्शन था? मुझे लगता है कि पहली जैसे ही मैं बाहर आई मुझे बहुत लोगों का प्यार दिखा, जहाँ पे लोगों ने बोला कि दे रियली अंडरस्टूड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। आप लोगों ने मुझसे कॉन्वर्सेशन तो किया है लेकिन मेरी एक्चुअल पर्सनैलिटी जो मैं रियल में हूँ वो भी आप लोगों ने देखा है। इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक बहुत अच्छे इमेज के साथ बाहर आई हूँ। इस चीज़ का मुझे बेहद दुख है कि मैं थर्ड वीक में जो इतने फुल ऑन अपने गेमिंग स्प्री में आ चुकी थी, अपने वाइब पे आ चुकी थी, जहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई थी, मैंने अपने अटैक प्लान्स बनाए थे, मैंने अपने ऑपोजिट ग्रुप के साथ अलायंसेस भी बनाए थे, आई वॉज फुल्ली प्लेइंग द गेम। टास्क में भी अपना एक बहुत ही अलग रूप मैंने दिखाया था, जो रैशन वाला टास्क था, द रिंग ट्रिक एंड एवरीथिंग, आई डिड ऑल दैट। बट उसके पहले ही मैं कुछ लोगों से नॉमिनेटेड थी, जिन्होंने बहुत ही फेक और स्टूपिड रीजन दिए थे मुझे नॉमिनेट करने के लिए, और मैं नॉमिनेशन से बच इसलिए नहीं पाई क्योंकि ऑलरेडी मेरे सामने तीन स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे, जो स्टार्टिंग से उन्होंने उनको गेम का फॉर्मेट पता था, मुझे नहीं पता था। आई थॉट इट्स अ पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट एंड आई डिड नॉट नो दैट मुझे डे वन से एक अटैकिंग वे में रहना पड़ेगा। नाइना, ऑलरेडी अगर हम बात करें आपके गेम का, तो कहीं ना कहीं हम ऑडियंस को लगा कि आप बहुत ही स्लो हैं, कुछ देखने को नहीं मिला। नायरा एक्चुअल में क्या कर रही है बिग बॉस हाउस में, उसने क्या क्या खेला वो दिखाई नहीं, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को ऐसा लगता है कि कि मतलब, कनेक्ट नहीं हो पाए। या कहीं ना कहीं जैसा कि रोहित सर ने कहा कि वोटिंग कम आई, वोटिंग का वजह ही ये है कि आपको देखा ही नहीं गया, क्योंकि हमें हम जहाँ वो कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे पिशाचिनी जैसे शो में आपका एक रूप देखने को मिला, हमें लगा कि नायरा फुल्ली सबका फाड़ देगी, बट हमें वो नहीं देखने को मिला। वो हाँ देखने को नहीं मिला। सो क्या नहीं, कुछ मेरा कर सकते नेचर हैं? ये थोड़ी है कि मैं जाते ही लोगों के ऊपर नहीं कुछ नहीं लांछन लगाऊंगी और फिर उनके ऊपर चढ़ूंगी और हाँ झगड़ा करेक्ट करेक्ट करूंगी। आई ये एग्री मेरा नेचर नहीं है कि राइट। मैं वो जाके करूंगी। हाँ अगर मुझे पहले किसी ने ब्रीफिंग दिया होता कि नायरा ये गेम है राइट अटैक का, आपको राइट जाके जबरदस्ती इसकी पैंट लूज क्यों है, इसका वो क्यों लूज है, जाके मुद्दे बना के झगड़े करने होंगे, तो मैं 100% सोचती कि ये गेम मेरे लिए है कि नहीं। मुझे लगा था, मुझे बार बार बताया गया था कि ये आपको बिग बॉस नहीं देखना है, ताकि आप ऑर्गेनिकली करो जो आपको करना है। एंड ऑर्गेनिकली आप जब किसी नए जगह पे जाते हो, आपको एक दो हफ्ता लगता ही है आपके आसपास के लोगों को समझने के लिए और आपकी वाइब समझने के लिए, विच वॉज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। तो मेरा वही हुआ। तीसरे हफ्ते में मैं सब कुछ समझी, मैं स्टेबल फील करने लगी और मैं अपना गेम खेलना शुरू की थी। पहले नायरा हफ्ते जी, में अविनाश आपको के एक बार गेम पे जो ऊपर वार्निंग भी आप क्या मिली थी, पहले हफ्ते में सलमान खान ने आपके साथ पूरा बीटिंग का बार भी किया था, वार्निंग मिली, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपने लेट कर दिया? तीसरे वीक में आप दिखना स्टार्ट हुई, गेम खेलने में थोड़ी सी थोड़ा डिले मुझे, हुआ। मैं वही तो कह रही हूँ ना, मैं गेम को समझी नहीं थी। बीइंग ओपिनियनेटेड डज नॉट मीन आई हैव टू स्क्रीम एंड गिव माय ओपिनियन, राइट? मेरा तरीका, सपोज मुझे सपोज आपका और मेरा कुछ एक डिसएग्रीमेंट हुआ है, आप चिल्लाओगे, इंसान तब चिल्लाता है या फिर इंसान तब अपना वॉल्यूम हाई करता है जब सामने वाला इंसान आपका सुनना नहीं चाहता। बट मेरा तरीका ही आपको बाजू में बिठा के बात करना, और अपने इसीलिए ओपिनियंस उस तरह देना। प्लस लोगों को लगा था कि मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ, लोगों को लगा था मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ। मैंने जब लोगों को किचन के रूल्स बनाए या फिर बाथरूम के रूल्स बनाए, मैं इतनी डोमिनेटिंग थी तो लोगों ने मुझे चैलेंज क्यों नहीं किया? क्यों किसने मुझे काउंटर नहीं किया? क्यों किसने ये नहीं बताया कि मुझे कोई हक नहीं कुछ बोलने का, बाकी लोगों को डिक्टेट करने का? व्हाई नोबडी चैलेंज मी? सब मेरी बात सुन के बैठ क्यों गए फिर? तो मैंने तो अपना काम निकलवा लिया ना लोगों से। नायरा, टॉकिंग अबाउट यू, जब आप घर से बाहर निकल रही थी, यू सेड कि गाइस इट्स ओके, वी न्यू इट ओनली, बट जब आप बाहर निकली, वी हैव सीन योर इमोशनल साइड कि इतने जल्दी नहीं, ऐसे कैसे, मैंने गेम अभी स्टार्ट किया था, तो व्हाट यू वांट टू से, एक्सपेक्टेड था ये चीज? मुझे लगता है कि मैं डिसअपॉइंट बाहर आके इसलिए हुई क्योंकि क्लियरली लाइफ में मेरा जितना तामझाम था, चीजें थी, फन चीजें थी, मेरी इंटरेक्शंस थे, मेरे पर्सनालिटी के बाकी जो चीजें थे वो क्लियरली दिख रहा था, जो एपिसोड में नहीं डाला था। और मुझे नहीं पता है कि वो एपिसोड में क्यों नहीं डाला था। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि नहीं डाला था क्योंकि मेरा कोई पर्सनल फाइट नहीं था किसी के साथ। अभी अगर किसी के साथ मेरा पर्सनल नहीं फाइट हुआ है तो मैं जबरदस्ती जाके फाइट नहीं कर सकती ना, दैट इज अगेंस्ट माई नेचर, तो उसको मैं क्रिएट कैसे करूँ? मैं समझी गेम को, मैं लोगों की असली चेहरे जब पहचानी तब मेरे को रियलाइज होने लगा कि मैं कैसे एक किस किस को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, बिकॉज आई सॉ द रियल फेसेस। बट डे वन में जबरदस्ती किसी के साथ मुद्दा उठाना, इट्स नॉट पॉसिबल। हुआ ही नहीं मेरे साथ, किसी ने ना मुझे चैलेंज किया ना मैंने किसी को किया, सब तो मेरी बात मान के बैठे थे।
आपको नहीं लगता कि चाहत ने ये बहुत अच्छे से बिग बॉस का सिनारियो देखा और उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है झगड़े और मुद्दे बनाकर? सच में घर पे जहाँ तक हम ऑडियंस को चाहत इतना लोगों को नहीं पता था कि चाहत कौन है, बट टीवी शो की है आई नो, बट कहीं ना कहीं बिग बॉस से जिस तरीके से टीआरपी उन्हें मिल रहा है बहुत शॉकिंगली है कि सी चाहत है समबडी जो बहुत चिल्ड आउट रहती है घर राइट, बहुत चिल्ड आउट रहती है, वो कभी कभी सोती भी रहती है और ग्रुप में बैठने के बावजूद भी वो बात तक नहीं करती है, आप लाइव में उनको ऑब्जर्व करना। उसके कुछ चीजों के वजह से, फॉर एग्जांपल बेड वाला जो मुद्दा हुआ था वो उन्होंने, आप अगर एपिसोड देखोगे उन्होंने एक बार भी अपने मुंह से नहीं बोला कि मुझे स्नोरिंग या चीखने की वजह से बेड अंदर सोना नहीं है। वो बोलने जा रही थी कि मुझे नहीं अंदर सोना है, तब किसी ने बोला कि हाँ वहां वहां स्नोरिंग होती है, किसी और ने बोला था। तो उसने क्या किया, वो बेड बाहर सोना चाह रही थी लेकिन सामान अपना घर के अंदर ही रखना चाह रही थी, जिसकी वजह से विवेन तड़प गया था एंड विवेन ने उसके ऊपर जब झाड़ा तब उसने काउंटर दिया। तो घर पे भी वो खुद से कभी अपना ओपिनियन नहीं देती हैं, आज तक जितने भी ओपिनियंस हुए हैं उन्होंने ओपिनियन नहीं दिया है। वो गई भी है तो लोगों ने उसको जाने बोला है कि आप बीच में मत पड़ो, एटलीस्ट मैंने चिल्ला चिल्ला के अपने कुछ कुछ ओपिनियंस दिए हैं। वो सिर्फ डिफेंस में ही अपना बताती है, डिफेंस में ही वो रोती है। जब चुम ने उसका वो पकड़ा था, गैस का पकड़ा था, शी वॉज क्राइंग। जब मैंने उसके ऊपर चिल्लाया, वो पार्ट तो चलो डेलीकास्ट में दिखाया नहीं, जब मैं उसके ऊपर चढ़ी थी कि तुम घर के साथ नहीं रहना चाहती हो कोई बात नहीं, तुम्हें खाना रोकने का हक किसी को नहीं है, लेकिन एक कर्टसी होती कि तुम हमसे बात तो कर सकती थी कि आरविन भाई, नायरा, आप सब लोग, मैं आपके साथ अनशन में नहीं बैठना चाहती। मैं उस पॉइंट पे लड़ी थी उसके ऊपर जो दिखाया नहीं गया था टेलीकास्ट में, जो मैंने देखा नहीं टेलीकास्ट पे है। नायरा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आपकी स्ट्रेटेजी नहीं थी लोगों की, तो सब बिग बॉस देख कर आए थे ना, तो मैंने नहीं देखा हुआ था ना, कहीं ना कहीं आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपने कम तैयारी करके गए। हाँ कोई तैयारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा आपसे, तो एक्सपेक्टेशन थे। सी नाउ इफ दे वांट्स से समबडी आपके सामने आके अपने फैमिली के बारे में बताती है पूरी तरह से, मैंने भी बताया, ईशा ने, ईशा पूरी तरह से आपके बारे में बात करती है अविनाश के साथ, पूरा घर आपके बारे में बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज्यादा दिखाई नहीं दी और आपने कोई खुलकर बोला नहीं। आपने आपके बारे में बात हुई घर में लेकिन आपने वो मुद्दे भोग पे भी नहीं उठाए। मेरे बारे में बात हुई लेकिन किसी ने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला, तो मैं उस चीज का क्या करूं फिर? क्या आपने अच्छा प्यार दिया नहीं लगा? Honestly speaking, मुझे भी नहीं पता कि सबसे बेस्ट पीआर कौन था, कौन होना चाहिए था मेरा उस टाइम पे, आई डोंट नो। नायरा आपका नाम शहजादा के साथ जोड़ा जा रहा था, हम कई इसने जोड़ा है और घर वाले, और ऐसे कई लोग हम देखे जो घर वाले अंदर ही अंदर एक दूसरे का नाम जोड़े, जैसे अविनाश के साथ ईशा का जोड़ा जा रहा है और करणवीर के साथ चुम को लेके छेड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा रियल कपल आने वाले टाइम में बनेगा या फिर क्या फेक दिख सकता है या बिग बॉस के लिए सब करते हैं? मुझे लगता है करण एंड चुमका हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि रियल तो रियल फायर मैंने किसी में भी नहीं देखा है सच कहूँ तो। सी ईशा, ईशा वेज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, रजत जैसा बंदा जो लड़कियों के साथ इजीली फ्रेंडशिप नहीं करता है, वो उसको भाई भाई बहन का रिश्ता उन्होंने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग ही रजत बिलीव्स इन हर, जबकि बाहर से हम सब ने देखा है कि ईशा हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एवरीबॉडी, ऑल ऑफ अस हैव सीन दैट। तो जिस दिन रजत को शॉक मिलेगा उसको उस दिन शॉक मिलेगा। हैविंग सेड दैट, उसको थोड़ा सा अपसेट भी हुआ था जब वोटिंग हो रही थी स्टेज पे एंड रजत के लिए किसने, बग्गा भाई ने किसी के लिए, बग्गा भाई ने शायद करणवीर के लिए दो शब्द बोले थे, करणवीर के लिए, लेकिन ईशा बींग द सिस्टर जो भाई बहन कर रही थी, वो उसने दो बातें नहीं की स्टेज पे आके उसके बारे में, रजत के बारे में। सो उसको डिसअपॉइंटमेंट लगा था। सेकंड सिचुएशन, इन लोगों ने कुछ इम्प्लाइड प्लान ये किया था कि मुस्कान को बचाना चाहिए एविक्शन से। रजत अपने प्रिंसिपल पे कि नहीं मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ वर्सेस मुस्कान को बचाना चाहता हूँ, वो फंस गया था और उसने अपना पॉइंट रखा और सारे घरवाले ने उससे बात करना बंद कर दिए। वाई? बिकॉज ही डिड नॉट गो फॉर सेविंग मुस्कान। तो मुझे लगता है कि रजत को भी एक पॉइंट के बाद पता चलेगा कि
अपना ही गेम खेलना है कि राइट फैलना है। नायरा रजत को आप टॉप वन की रैंकिंग में कैसे देखते हो? डू यू थिंक कि ही डिजर्व ऑन टॉप वन आल्सो? जब यू नो विवियन और रजत को जब तोलने की बात आई थी तो लीडरशिप क्वालिटी मैनिपुलेटिव सबसे ज्यादा यू नो रजत को दिया गया था, ना ही तो विवियन को दिया गया। तो व्हाट यू हैव टू से कितनी उनमें क्वालिटी, क्योंकि एक जब सलमान खान ने उनसे पूछा था आप अगर जेल में होते तो क्या आप खाना देते, तो उन्होंने कह दिया था बिल्कुल नहीं देता मैं। व्हाट डू यू थिंक? और फिर वही देख रहे हैं हम कि वोट सबसे ज्यादा रजत को मिल रहा है। मुझे लगता है रजत डिक्टेटर बनता 100%, क्योंकि उसने खुद बोला है अपने मुंह से हम लोगों को कि उसे अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसको 5 घंटे पूल में खड़ा करेगा। अगर वो राशन के लिए जाता, वो अपना पावर एक्सरसाइज करने के लिए एक खाना भी नहीं देगा। तो ही ऑनेस्टली सेड हिज ट्रू फीलिंग्स। तो हमें, और मुझे ये पता है जब ये वाला टास्क हुआ था जहाँ पे चुम आरफीन और रजत के बीच में मैंने रजत का गुड्डा हटाया था, मेरा रीजन बाद में ये भी था कि तुम बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो। एक टाइम गॉड, एक लीडर इम्पल्सिव नहीं हो सकता। आप डिक्टेटर वाली क्वालिटी लेकर नहीं आ सकते। यू हैव टू बी समबडी हुज बैलेंस्ड, हु कैन वर्क अराउंड द हाउस वेरी वेल। सो उस रीजन के वजह से रजत को ना एक थोड़ा सा टर्शन हो गया था मेरे साथ, बट प्यार सा के बात करके नलीफाई करके भी चला जाता था। नायरा कहीं ना कहीं ईशा और एलिस की जो बॉन्डिंग हमें दिखाई जा रही है और आफ्टर उनका फ्रेंड जो उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि हमें एक रिलेशन तो बना के रखना है बिग बॉस हाउस में। लव एंगल नहीं बन सकता तो भाई एंगल ही सही। तो आपको क्या लगता है अगर आपका कहीं अच्छा बॉन्डिंग रहता तो अब तक आप घर में रहती, या फिर उन दोनों को क्या नाम, इन तीनों को क्या नाम देना चाहेंगे? देखो इन इन इनका गैंग को तो मैं सिंड्रेला सिस्टर्स बुलाती थी पहले, अब मुझे सच में पता चला कि चुगली चाचियां तो थी है, ये है ही, वो पूरा टाइम वही करती रहती है। हैविंग सेड दैट, मुझे उनके फ्रेंडशिप से भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। वो दे आर वेरी टाइट विथ ईच अदर। भले ही वो लोग घर के लिए थोड़े वैसे टाइप के हैं, सिंड्रेला सिस्टर्स जैसे हैं, जो उसका भी उसके साथ रह के उसको भी बहुत ज्यादा वो करते हैं, बट एट द सेम टाइम आई रियली, मुझे अंदर से बहुत इच्छा भी होती थी कि काश मेरा भी ऐसा बॉन्ड किसी के साथ था। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा बॉन्ड ऑलमोस्ट 2 जन के साथ ऐसा बन भी गया था, श्रुतिका और शहजादा के साथ। इट्स जस्ट दैट मेरा जब गेम ही स्टार्ट हुआ तभी के तभी ओवर हो गया। नायरा वैसे तो आपका बॉन्ड बन गया था शहजादा और श्रुतिका के साथ, लेकिन आपके लिए एक बात बोली गई थी कि कहीं ना कहीं कुछ वक्त बाद आप एलिस ईशा लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो, तो अगर आप घर में होती क्या वो एक ग्रुप फॉर्म होता, क्योंकि एलिस के साथ बात शुरू हो गई थी? मैं सामने से जब साथ क्या हुआ था, सारा जेल में बैठी थी, बग्गा भाई को बोल रही थी अच्छा शिल्पा और करणवीर के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है? तो बग्गा भाई बोले हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है उनको छोड़ देते हैं। ये नायरा और शहजादा का जो जोड़ी है ना, बहुत स्ट्रांग जोड़ी बन रही है, मुझे इन लोगों को सबक सिखाना है। फिर बग्गा भाई ने बोला उसके रिटर्न में कि मुझे एलिस और इन तीनों को भी सबक सिखाना है, क्योंकि एलिस और ईशा हमेशा बग्गा जी के ऑपोजिट में जाती थी, करेक्ट? तो ये चीज शहजादा ने सुन लिया था कि हम पांचों को टारगेट किया जा रहा है, मुझे शहजादा को, अविनाश को, एलिस और ईशा को, हम पांचों को टारगेट किया जा रहा है टॉर्चर करने के लिए। शहजादा मुझे लेके भागा उनके पास, हमने सारा पोल खोल दिया कि हमें टारगेट किया जा रहा है ये दोनों जेलर जेल कैदी बैठ के। तो तभी के तभी दे ऑल्सो गॉट अ शॉक ऑफ देयर लाइफ। एंड फिर मैंने ये चीज प्रपोज किया कि इस हफ्ते हम एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, लेट्स बी एन अलायंस, लेकिन ऐसा अलायंस जो पूरे घर वाले नहीं देखेंगे, क्योंकि घर वाले देखेंगे तो हम सबकी नजर में आ जाएंगे, उनके और अलग अलग स्ट्रैटेजीज आनी शुरू हो जाएगी। सो यस, अलायंस की डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी थी, हम एक दूसरे के साथ नॉर्मली बिहेव कर रहे थे, लेकिन अंदर से वी वर एन अलायंस टुगेदर ऑल ऑफ अस। लास्ट क्वेश्चन, थिंक इज अ फेक कंटेस्टेंट ऑफ द हाउस? मुझे शिल्पा और जी आउटराइट फेक लगती है, बग्गा जी हिडन है, वो कन्वीनियंस के हिसाब से उतर चढ़ाव उनका रहता है, लेकिन शिल्पा जी वो बहुत ही विक्टिम कार्ड प्ले करके बहुत सेफ खेल रही है, एक तरफ विविन और एक तरफ करण को रख के। शी इज लाइक यू नो बीइंग ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ, क्योंकि विविन इस गैंग का लीडर है, करण इस गैंग का लीडर है, एंड शी इज इन द मिडल, एंड वो अपना ओपिनियन दे देती है बट वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं रखती है, लाइक यू नो टू मेक अ डिफरेंस प्रोबेबली। So I think she's playing that safe victim wala zone. Last question, last. जो विविन को जो एक टैग दिया गया है, ये बहुत ही गलत
टैग मिला है लाडला यार, घर का लाडला है तो है वो कलर्स का लाडला, भी क्या कर सकते हैं आप भी तो कलर्स की शो। हाँ लेकिन मैंने सारे के सारे कलर्स शो नहीं किए ना, उसने किया भी है, उसके सारे हिट भी गए हैं और उसको टॉप टू का पोजीशन भी मिला हुआ है, एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर जोन में है तो शांति से खेल सकता है। मुझे लगता है विवियन के चांसेस बहुत हाई है। सेकेंड मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर मैं मेरा गेम स्टार्ट होता तो मैंने खुद को अविनाश और विविन के साथ देखा था टॉप थ्री में, लेकिन टॉप फाइव में देखा जाए तो डेफिनेटली करणवीर और रजत भी आते हैं। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन है नायरा, एक अफवाहें उड़ रही हैं कि नायरा अगर घर से बाहर आई हैं कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल चॉइस है क्योंकि उनका बहुत जल्द फिल्म आने वाला है, इसमें कितनी सच्चाई आप कुछ बताना चाहें? यार फिल्म आ रही है, वेब सीरीज भी आ रही है, बहुत सच्ची बात है, लेकिन वो सब जनवरी में आ रही है, मेरा कोई रीजन नहीं था बाहर आने का, ये एक रॉन्ग एविक्शन हुआ गया है, अनफेयर एविक्शन हुआ गया है। थैंक यू। ओके बोलो। उसपे ये कहना चाहती हूँ कि दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे, दोनों ने एक दूसरे की इज्जत उतारी, उसने भी बोला कि तुम मुझ पे लाइन मारते हो, इसने भी बोल दिया कि तुम जूते के भी बराबर नहीं हो, तो वो उनका पर्सनल फिटूस जो है वो हो चुका है। आई डोंट वांट टू कमेंट क्योंकि बहुत ही नीच टाइप का झगड़ा, मेरे लेवल का झगड़ा नहीं है। थैंक यू।